कैच बनेगा आपकी आवाज पर बल के अपराधों से डराएंगे आपको नहीं होने देंगे किसी को भी अत्याचार हम है आपके साथ और देखते रहिए भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाना एक आम बात हो गई है। जिस प्रकार से राम जन्मभूमि का फैसला आया उसी प्रकार से मुस्लिम लॉ बोर्ड ने याचिका भी दायर की, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी की। उसी तरह से आज राजधानी में एक बैठक हुई जहां पर संयुक्त नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया समान कार्य समान वेतन एएनएम और जेएनएम के लिए, जिसमें उनकी अवहेलना करी गई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की। आज राजधानी में संयुक्त नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक हुई जहां पर उनके पदाधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां किस प्रकार से लोक सेवा आयोग उड़ा रहा है, जिसमें एएनएम और जेएनएम को समान कार्य समान वेतन के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित हुआ है। हमारे संवाददाता विक्रम ने बात की संगठन के पदाधिकारियों से और जाना किस प्रकार लोक सेवा आयोग उड़ा रहा है धज्जियां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की। और अगर किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे तो वो क्या है, अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया जाता है। जैसे वकील है, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जिस आदमी को अन्याय सहना सीख गया तो जिंदगी भर अन्याय सहता रहता है। तो जो आदमी अन्याय से लड़ना सीख गया उस समय, आज के लगभग 7-8 साल पहले, तो हमारे एक दोस्त थे, उनकी वाइफ और वो रिसेंटली पास आउट हुए थे, तो उन्होंने बड़े गुस्से के, देखो अभी ट्रेनिंग करी हमने, अभी तुरंत जगह निकली है, मैं वो अपना भी अपनी वाइफ का मैं करवा लूंगा, मेरी अच्छी जान पहचान। मैंने जब वो फॉर्म पढ़ा तो मैंने कहा इसमें तो फिर गवर्नमेंट वाले हैं, आपका तो कुछ है ही नहीं है। इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि नर्सिंग नियमावली 99(4)(ख) के अनुसार। राजधानी में संयुक्त नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन ने आज बैठक की और उनकी मांगों को लेकर, जहां पर इंजीनियरिंग संघ भवन में उन्होंने एक बैठक भी की जहां पर नर्सों की समस्याओं को लेकर हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर जी, होने से जानते हैं कि आखिर किस तरह की समस्याएं नर्सों को आ रही है। सर, आखिर किस तरह की बड़ी समस्या आ रही है एएनएम जेएनएम महिलाओं को या नर्सों को? अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि एएनएम और जेएनएम, आपको मैं बताऊं कि इनको हर स्तर पर दबाया जाता है। जैसे अभी जो बेरोजगार हैं उनके लिए नंबर एक तो समय से वैकेंसी निकाली नहीं जाती हैं। अभी आपको मैं बताऊं, 27 जनवरी में वैकेंसी निकली थी 7200 और उसमें 36000 वेटिंग थी और इनमें लगभग 1000 से 1500 सीटें खाली हैं और अप्रैल से कहा जा रहा है कि मैं भर दूंगा, अभी तक वो भरी नहीं जा रही हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो एएनएम जेएनएम की नियुक्ति हुई है, ये लोगों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की पूर्वी उत्तर प्रदेश में कर दिया और ये सब संविदा पे हैं जिनका बहुत ही कम वेतन है। इतने वेतन पे कोई सरवाइव नहीं कर पाता, उनके साथ फैमिली का कोई ना कोई मेंबर रह रहा है, घर परिवार उनका इससे बड़ा परेशान, और लोग नौकरी छोड़ने की स्थिति में है। अच्छा, एक सरकार ने पिछले लगभग 10 साल से संगठन से भी वादा किया और सबसे वादा किया कि शीघ्र ही हम समान कार्य समान वेतन लागू कर देंगे, तो अभी तक ना तो समान कार्य समान वेतन लागू हुआ है। दूसरी बात, जॉब सिक्योरिटी के लिए भी सरकार ने वादा किया था कि हम जॉब सिक्योरिटी कर देंगे, क्योंकि जो लोग संविदा पर रहते हैं उनको कहीं ना कहीं यही एक डर दिखाकर उनको हर स्तर पर दबाया जाता है कि हम आप थोड़ी सी भी अगर आप अपने आवाज उठाओगे तो हम आपकी संविदा समाप्त कर देंगे। तो ना तो सैलरी में, मैं बताऊं जब 11 हम लोगों की सैलरी पहले 9000 थी और गवर्नमेंट में 11000 सैलरी थी, हम लोगों को लग गए 10 साल 9000 से 24000 पहुंचने में और वो 11000 से पहुंच गए जाके 70000। तो गवर्नमेंट में इतनी तेज से बढ़ाते हैं और संविदा में 5% से ऊपर कभी बढ़ाते नहीं, जबकि महंगाई का इन्फ्लेशन रेट आपको पता है कि इंडिया में क्या चल रहा, उसमें कुछ भी नहीं होता। तो हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि जो लोग संविदा पे हैं उनको या तो विभाग में समायोजित किया जाए, जब तक नहीं समायोजित करते तो तब तक उन्हें कम से कम समान कार्य समान वेतन दिया जाए और जॉब सिक्योरिटी लागू कर दी जाए, क्योंकि छोटी सी बात पे ही उन्हें हटा दिया जाता है। ट्रांसफर पॉलिसी थोड़ी सिंपल की जाए, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी इतनी कठिन बना दी गई है कि उसका लाभ
नहीं मिल पाता है। एचआर पॉलिसी लागू करने के लिए वादा किया गया, वो भी शीघ्र एचआर पॉलिसी लागू कर दी जाए और जो हमारे बेरोजगार नर्सेस बहनें हैं इनकी वेटिंग जो है जो ली गई है वो वेटिंग क्लियर हो ताकि इन लोगों का भविष्य सुरक्षित हो। आयोग की बात मैं करूं, आयोग से लगभग 4200 जगह निकली हुई थी स्टाफ नर्सेस की और उसमें मात्र 3000 से भी कम, आप सोचिए कि 3000 से भी कम वैकेंसी भरी गई। बाकी सबको आयोग कह दिया गया कि भैया आयोग हो आप लोग, और जबकि उनमें से मैक्सिमम लोग जो है एग्जाम यानी कि संविदा पे कार्यरत थे और उन्होंने कहा कि हम अभी दूसरी लिस्ट निकालेंगे। वो लिस्ट आप सोचिए 2016 से लगभग 2.5 साल हो गए, अभी तक उन्होंने लिस्ट निकाली नहीं आयोग से। मजबूरन नर्सेस को हाई कोर्ट जाना पड़ा जी। हाई कोर्ट सिंगल बेंच से हम लोग जीत गए, नर्सेस के फेवर में ऑर्डर हुआ। बाद में कुछ तिकड़म करके आयोग ने पता नहीं क्या किया और डबल बेंच में आयोग की जीत हो गई जी। फिर हम लोगों को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में नर्सेस की जीत हुई कि आप लोग जो है स्टाफ नर्सों को इसमें रखिए। आज मैं बताऊं लगभग 5-6 महीने हमें ऑर्डर हो गया जीते हुए, अभी तक आयोग ने कोई भी किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं दी जी। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि जो नर्सों का हर स्तर पर शोषण हो रहा है उसे रोका जाए। जो लोग अभी मान लिया कोर्ट की भी बात आप नहीं मान रहे, किसकी मानेंगे? अच्छा, आजकल सरकार इतनी सख्त है कि हम कहीं पर धरना दे नहीं सकते, तुरंत लाठी चार्ज कर देते हैं, रासुका लगा देते हैं, कोई ना कोई उठा के बंद कर देंगे। तो पता चला इस स्थिति में एक तो ऐसे नौकरी पे लाले लगे रहते हैं ऊपर से। तो निवेदन ये है कि देखिए हम लोग संविदा पे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपके वोटर भी हैं, आपकी पब्लिक भी हैं, तो आप लाभ दीजिए ताकि आप लोगों को भी लाभ मिले। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी कर दिया है नर्सों के पक्ष में और कहीं ना कहीं आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां भी उड़ाता नजर आ रहा है। तो जैसा कि ये संगठन और इनके प्रदेश अध्यक्ष प्रभाकर द्विवेदी इनकी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां भी आयोग उड़ाता नजर आ रहा है, तो अभी हम जानते हैं कि जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं प्रभाकर द्विवेदी, आखिर उनका क्या कहना है, नर्सों का क्या कहना है, किस तरह से मैडम क्या कहेंगी अपनी लड़ाई के बारे में और आयोग किस तरह से आयोग से प्रताड़ित है? हम लोग इतने दिन से केस किए थे, केस जीत गए, उस जीतने के बाद फिर भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट से भी केस जीत गए। जब हम लोग केस जीत गए तो आज तक ना हम लोगों का कोई आदेश मिला, ना कहीं ज्वाइनिंग मिला, ना कोई, आखिर हम लोग ये इंतजार कब तक करेंगे? बिल्कुल, कब तक करेंगे? घर परिवार कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? आप कैसे हम लोगों, आप लोगों की स्थिति बताएं कि कैसे हम लोग चला रहे हैं। परिवार भी देखना है, बच्चा भी देखना, नौकरी में क्या थोड़ा लेट हो गए तो पता चला अधीक्षक एब्सेंट बना के बैठे हैं, वही परमानेंट अगर आ रही हैं चाहे 10 से 12 बजे 12 से 4 बजे उनका कोई बात नहीं। हम लोगों के इतना दबाव में क्यों रखा जाता? कोई गलती नहीं हुई तो भी डांट पड़ता, गलती हुई तो भी डांट पड़ता, ऑर्डर क्या मिलता है? तुमको निकाल देंगे, क्या बात है निकालने का? ठीक है हा? तो जैसे कि आउटसोर्सिंग जो नर्से रखी गई थी, कहीं ना कहीं इनका शोषण अभी तक जारी है और उनकी मांगों को लेकर जहां समान कार्य का समान वेतन भी उनकी मांग है, तो क्या कहेंगे मैडम, किस तरह की समस्याएं आ रही है आप लोगों को? समस्या ये, हमने हाई कोर्ट में डाला था केस, उसके आधार पे हमें अब तक आप जीत गए हो लेकिन समान कार्य का जो समान वेतन की लड़ाई है वो होना चाहिए, नहीं मिल रहा है, नहीं मिला, होना चाहिए। और जब प्रदेश सरकार ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या आप लोगों का विकास हो पाया है? कोई विकास नहीं हुआ है, हम लोग 5-6 साल से नौकरी कर रहे हैं संविदा पे, पर कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, 1% तक इम्प्रूवमेंट तो नहीं है। आउटसोर्सिंग के तहत जो लोगों को रखा जाता है इसको बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, अगर NHM में कन्वर्ट कर सकते तो NHM में कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत होप है कि आयोग वाले ये मतलब होप तो 90% सक्सीड कर दे तो बहुत बेहतर होगा हम लोगों के लिए। नर्सिंग कितने लोग जीते थे सुप्रीम कोर्ट से? 500 लोग होंगे जो जीत गए हैं, और 8-9 साल से संविदा पे सब लोग वर्क कर रहे हैं लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं मिला अभी तक, उसका कोई फायदा ही नहीं मिला संविदा पे काम करने का। तो ये बताइए कितने जिलों के लोग हैं इसमें? बहुत जिलों के लोग हैं और हम ये चाहते हैं, हम अगर सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तो मुझे ज्वाइनिंग चाहिए सरकार, किसी भी तरह सरकार से ही कह रहे हैं हमें ज्वाइनिंग चाहिए, आयोग से मुझे ज्वाइनिंग दे।
मैडम क्या है? सरकार से यही निवेदन है कि जो समान काम समान वेतन जो उन्होंने किया है लागू किया है तो वो क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, अगर मतलब कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो संविदा वालों के लिए 10,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, 10,000 में हम क्या क्या कर सकते हैं, फैमिली को मतलब हम क्या क्या करें, बच्चा है छोटे, हस्बैंड हैं, पेरेंट्स भी हैं, उनको भी देखना होता है, मतलब करें क्या, गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं मतलब क्यों नहीं सुन रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से इनसे हमने बात की और जाना संयुक्त नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन किस तरह से काम कर रहा है, इनका कहना है कि जहां सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया था उसकी भी अवहेलना आयोग करता नजर आ रहा है। तो देखना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन नर्सों को आखिर कब न्याय देगी। मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा।